टाइम है 4:45 का और मॉर्निंग की शुरुआत है एप्पल साइडर विनेगर के पानी के साथ। पानी को मैंने थोड़ा कोसा कर लिया है और एक ढक्कन है मैं विनेगर का मिलाती हूँ उसमें। यूं देखा ही नहीं, बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, सीधी एकदम आ गई, ऊपर पता ही नहीं लग गया, छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा बरसा है, इसका मतलब रात को पानी पड़ा हुआ है, भरे हुए हैं उधर तक। अब एक्सरसाइज तो होनी नहीं है, पता लगता तो उठना ही क्यों था। सुबह सुबह नींद भी ख़राब करके ये आधा 1.5 घंटा हो गया उठे हुए, वो 5-10 हो गए। मैं अब छत पे आई हूँ, नीचे देख ही लेती तो लेट ही जाते, ध्यान ही नहीं करा। बारिश भी आ रही क्योंकि रोज़ का ही काम है, सुबह के टाइम तो ऐसे बादल होना, सोचो वैसे ही बादल से होंगे तो नीचे चलते हैं, बाहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर शीशे में को भी देख लेती तो फिर अपना क्या छत पे आना। और फुहार इधर की हैं बिल्कुल, लेंटर से नीचे कुछ भी नहीं होगा, एक्सरसाइज तो होनी नहीं, ना ही पौधों का होगा, क्यों पौधों में सब में पानी पड़ा हुआ है, बारिश आई हुई है। इतने चलते हैं क्यों, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है, सारा गिल्ला ही हो रहा है। डाल देती हूँ बस कबूतरों का, नीचे जा कर देखते हैं। अभी तो इतना जल्दी तो कुछ काम भी नहीं होएगा, 6 बजे के बाद क्यों सारे उठते लेट हैं। काली घटा देख कर नर मोर लग रहे हैं बोलने, काले काले घटा है, क्यों एक आध फुहार आ रही है, एक्सरसाइज तो होनी नहीं, बस छत पर अपना लग रही हूँ घूमने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं सभी। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूं आपके अपने एसजी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग्स में। बारिश थोड़ी ही रुक गई थी, एक आध आ रही थी तो मैंने सोचा सर्वाइकल की तो मैं कर ही लेती हूं, तो वही करने लगी थी और थोड़ा हा कपाल बाती हो जाए बस वही बहुत होता है, मैंने तो ही निका ही होता है। इन दिमाग में फिर ये नहीं रहता ना, कुठे भी बारिश हो रही थी, एक्सरसाइज नहीं होती तो कुछ हो जाती है, तो फिर तसल्ली ही रहती है। तो सब्जी बना रही हूँ, भिंडी और थोड़ी ही हरी, मेरे छोटों की काट कर रख रही हूँ, कलमा वो आई थी बेटे से, मन नहीं करता जैसे शाम को सब्जी नहीं बनाते कई बार, और सुबह भी मेसी रोटियों के साथ रहता होता है, दही होती है तो उसके साथ तो मिर्चों की हुई खा लेते हैं। तो मैं 2 मिनट लगेंगी, काट कर रखी रखी थी पहले, आज बारिश हो रही थी तो सुबह ही काट दी थी, एक्सरसाइज हो ही नहीं तो इन्हीं चीज़ों में ही लगी रही। अरे वो बोल गया कूड़े वाला, इतना लेट आएगा मेरा सब्जी बनाने का टाइम और उसका आने का टाइम, गैस करके बंद करके बीच में जाना पड़ा, कई बार देखना जल्दी निकल जाएगा ना, अब नहीं बोलता रहेगा, इसका इंतजार करके लगती हूँ बनाने तो आ जाएगा, बीच में डाल दूँगी। अब जब तो आगे नहीं देता, मेरा सब्जी बनाने का टाइम होता है, इसका आने का टाइम होता है, कूड़े वाले का। भिंडी भी बन गई है और मिर्च भी बन गई है, दोनों चीज़ बन गई साथ के साथ, तो भिंडी भी फुल्ली बनाती हूँ मैं, डटके नहीं बनाती, डटके फिर वो काली हो जाती हैं। स्वागत है फिर से व्लॉग में, टाइम हो गया है 9:30, नहा के आई हूँ, कपड़े धोने लगी थी, ऐसे में पसीने आ गए, पहले तो मौसम ऐसा था बरसे का, काला हो रहा था, सुबह भी बूंदाबांदी थी, तो अब ऐसा हो रहा है इतनी तेज धूप निकल रही है, तो कपड़े धोए और सुखाए, पसीने आ गए थे, तो सब्जी बनाकर नर्मन नहाए आई थी, हस्बैंड को और माँ को दे दी थी रोटी, बच्चा का करना है तो बच्चा का बनाना है ब्रेकफास्ट, तो अपना लग रहा करने करके ना, फिर उसकी रोटी बना के ना उसको देनी है, गला भारी भारी है, और रहा है ना और तरह का खराश सिकल की हो रही है, पर ऐसी कोई वो नहीं होया, मेरा गला ही होया, अगर ना दिक्कत ज़्यादा ही मेरा करना इनको, बस देकर ना फिर उसकी साफ सफाई बर्तन बर्तन करके ना, लगेगा 1.5 घंटा है तो उसको करती हूँ, और तो सारा काम कर दिया था मैंने, डस्टिंग और बाथरूम बुथरूम धोगा नर पर ही होगा, जब ही नहाया करूँ मैं, बाथरूम धो जाए ना मेरे, मैं जब नहाया करूँ ऐसे नहीं, फिर मेरा नहाने को मन कराया करता। ललिता भी आई हुई है तो इतना वो ऊपर से करती हुई आएगी, इतना मैं अपना किचन का कर देती हूँ। हो गया 11:30, 9:30 किचन में घुस रहा था, जब एक की तो एक बार बनाई और एक की अब बनाई, एक एक जने की जो है रोटी बनानी हो है ना, ये सब तो सारा दिन यूँ ही लगाए रहते हैं, अब जैसे अलग अलग बनी फिर दोपहर में फिर अलग अलग बनेगी सबकी, तो यूँ ही लगा रहो सारा दिन। ललिता भी करके ना जाली तो सारा मेरा निमट ही गया था, बस ये यूँ करते हैं, अब ये कर दो, अब मेरी बना दो, अब मेरी बना दो, तो उस चीज़ में आदमी एक अकेला आदमी फिर सारे का यूँ अलग अलग करने में यूँ लगा रहो। गले से भी अगर किसी ने पता ना हो तो बता देती हूँ, गला क्यों ख़राब हुआ, जामुन खाने से कहते हैं होता है, मेरे को भी अब पता लगा, ललिता ने मेरे को बताया, अगर आपने जामुन खाई थी मैं खाई थी, अगर जामुन में नमक डाल के खाना चाहिए, नहीं तो गला ऐसे ही होता है मेरा, मैं कह रही हूँ ना मेरा जुकाम ना, और मेरा गला ऐसे जकड़ा जा रहा है और ख़राश हो रही है, फिर पानी पिया होगा आपने, मैं पानी भी पिया था, तो फिर वो जामुन से ही होया है,
मैं कल की गरारे कर करके ना मर गई। कितनी बार मैंने गरारे कर लिए, सुबह भी गरारे, कभी चाय मैं नमक डाल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो वही बुखरास ही नहीं मिट रही। अब वो जामुन खा के ना ऊपर पानी पीते हैं, उससे दिक्कत होती है। वो कभी नहीं पीना चाहिए, और अकेली जामुन भी मत खाओ, उसमें नमक डाल कर खाओ। ये मैं अच्छी आइडिया दिया है ललिता ने। अब मेरे साथ भी कल ये ऐसे ही हुआ था, मैंने भी जामुन खा कर ना और पानी पी लिया, मेरी आवाज़ ही चली गई। मेरी आवाज़ भी चली गई, गला बैठा हुआ है और खराश इतनी मची हुई है, बिल्कुल ही यूँ खुजली हो रही है जैसे यूँ फाड़ ले। इन्हें नहीं पता है तो नई जानकारी शेयर करी है आज मैंने ललिता की बताई हुई, मेरे को खुद नहीं पता था, खुद नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। स्वागत है फिर से व्लॉग में। टाइम हो गया 2 बज गए, सारे ने लंच कर लिया, बस एक ही बंदा रहता है हस्बैंड क्यों वो आते हैं तो फिर थोड़ा लेट आते हैं, हम 2 बजे तक हम कर लेते हैं, वो 15-20 मिनट लेट आएंगे। कई बार वैसे भी लेट हो जाते हैं तो फिर आने के बाद टाला ही कर देते हैं, जिस तरह 4 बज गए तो फिर वो लंच वाला टाइम नहीं रहता, तो फिर रहने देते हैं। कपड़े उतार कर नर्तय कर दी सारे की जो धोए थे, क्यों कल एकादशी है तो इस कारण आज मैंने लगाई तो लेट थी मशीन, ध्यान आ गया कल एकादशी है, कहीं देखा ना है। सुबह हो रही थी इस तरह बारिश होएगी, रोई भी है सोनीपत में, उन गाँव गुआ में तो हुई भी है, तो अब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्यों खाना बनाया बरसता है जब तक तो ठीक है, फिर एकदम उमसी हो जाती है। अब यही चलेगा 2-3 महीने बारिशों के, क्यों 2 सावन है तभी तो कहते हैं ना सबसे बेकार वाली गर्मी होती है ये, चिपचिपाट वाली उमस वाली जो गर्मी होती है ना, ना इसमें पसीना सूखता ना, और ना थोड़ी ही देर रेस्ट करेंगे, लेटेंगे, सोएंगे। ऊँ लेटा तो कितनी देर रहो इंसान पर, 15-20 मिनट सही ही नींद आ जाए ना, उसमें सारी सुबह से अब तक की सारी थकान दूर हो जाती है। तो चलो जी बने रहिए व्लॉग में, बाद में मिलते हैं फिर। तो फिर से व्लॉग में टाइम हो रहा है 4:15, तो 10 मिनट वैसे लेटी थी, नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूँ, खड़ी होकर ना, तो कई दिन हो गए थे ख़त्म हो रहे थे ये चीज़ें खाने, और मूँगफली नमकीन वाले या नमकीन वाले रोस्ट करे हैं और ये मीठे वाले रोस्ट करे हैं, क्योंकि अगर ख़त्म हुए होते हैं फिर इनके याद आती हैं कि खाने के टाइम, फिर कहेंगे अब रोस्ट कर दो, अब रोस्ट कर दो, उस टाइम एट ए टाइम नहीं होते, मैं चलो आवाज़ कर देती हूँ, आज नींद भी नहीं आई थी मेरे को, और मीठे वाले मेरे को अच्छे लगे अगर, और उनमें से मूँगफलियाँ ज़्यादा खाएंगे और नमकीन वालों में उनको कम लेंगे, कटोरी भर भर के पहले मूँगफलियों को ख़त्म करेंगे, मखाने को बाद में करेंगे, वो मखाने हमारे उतते ही रहते हैं, क्यों मखाने में कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर है, सब कुछ है, तो इसलिए इनको तो मैं रोस्ट करके हमेशा रखा ही करूँ। तो अब मैं बना लेती हूँ अपनी चाय। फिर बेटा जाता गाड़ी सीखने तो बोले तने चलना हो तो आ जा, तो मैं बोली मैं चल पड़ूंगी नर्सरी में, ले चलियो, तो मैं नर्सरी का नाम होता है मेरे लिए तो बस वो काफ़ी होता है, मेरे को चाहे सारा दिन छोड़ दो, पौधे इतने अच्छे होते हैं ना नर्सरियों में, दिल लग जाता है। वहाँ जाने के बाद बस फिर ये रहता है ना, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये कैसा है, ज़्यादातर फिर जो इनडोर वाले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो पर वही प्रॉब्लम है ना, लगाएं तो फिर इनडोर में लगी तने कहाँ लगाएं, जब तक सेट नहीं बनाएगा ये प्रॉब्लम होएगी। वेलकम बैक, टाइम हो गया 6:30, आज सब्ज़ी नहीं बनाई कुछ, आज चलेगा सब्ज़ी में देसी खाना, लाल मिर्च लहसुन में मेसी रोटी और चटनी लाल मिर्च की, और माँ खातर बना दिया है नमकीन दलिया, तो ये चीज़ें चलेंगी, क्यों बाहर चले गए थे तो फिर देर होगी, तो इसके कारण आज सब कुछ सिंपल रहेगा, और साथ में ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ। तो एक और नए ब्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और थैंक यू।